गाइस मेरा नाम तुनाप से देख रहा हूं आप ही के चैनल तित्रशील को। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अपडेट दिया था फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन को लेके 2023 पे क्या कुछ चेंजेस हुआ है, जहां पे हमें बहुत बड़ा गुड न्यूज मिला था क्योंकि फेसबुक ने पेज पे 5000 फॉलोअर और केवल 60,000 वॉच 1 मिनट वॉच का क्राइटेरिया रख दिया था कोई भी लास्ट 60 डेज पे, जो कि आप लोगों को एज ए क्रिएटर बहुत ही बूस्ट अप कर दिया। मगर आज जो मैं बात करूंगा वो है फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइजेशन को लेके, क्योंकि फेसबुक पे आप लोग आपके पेज के साथ साथ आपके आईडी को, आपके फेसबुक अकाउंट को, यानी कि फेसबुक पेज को जैसे मोनेटाइज करते हो वैसे ही आपके प्रोफाइल को भी मोनेटाइज कर सकते हो आज के डेट पे। और ये अपडेट काफी पुराना हो चुका है, मगर आज के इस वीडियो पे फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइजेशन को लेके 2023 का सबसे बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ, और ये अपडेट आप लोगों को एज ए क्रिएटर जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। फिलहाल जो दोस्तों देख रहे हो ये मेरा फेसबुक आईडी है, यानी कि मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। तो फिलहाल जो दोस्तों आप लोग देख रहे हो ये मेरा फेसबुक आईडी है, यानी कि फेसबुक अकाउंट है, यानी कि फेसबुक प्रोफाइल है, ये कोई फेसबुक पेज नहीं। अब फेसबुक प्रोफाइल पे आप लोगों को भलीभांति मालूम है फेसबुक ने मोनेटाइजेशन ऑलरेडी लेके आया है डिफरेंट टूल से, मगर अब फेसबुक प्रोफाइल पे डिफरेंट टूल को अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप से आपको देखना है तो डायरेक्ट क्रिएटर स्टूडियो पे जाने पे कुछ भी दिखने के लिए नहीं मिलता। इवन यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो का भी कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वीडियो पे क्लिक भी करूंगा तो भी क्रिएटर स्टूडियो ओपन नहीं होता है। तो उस केस पे सबसे पहले हमें देखने के लिए क्राइटेरिया या फिर कौन सा टूल से अभी मोनेटाइज कर सकते हो हमें जाना पड़ता है डिफरेंट मतलब टैब पे, और यहाँ पे जाके आपको लिखना है फेसबुक फॉर क्रिएटर। मैंने फेसबुक फॉर क्रिएटर लिखा तो ये मेटा फॉर क्रिएटर वाला लिंक आता है, इस लिंक को आपको ओपन कर ले। तो मैंने अभी इस पे क्लिक किया तो ये लिंक ओपन हो जाए कुछ इस प्रकार का, और जैसे ये लिंक ओपन होगा आपको टूल्स पे क्लिक करके मोनेटाइजेशन टूल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको डिफरेंट मोनेटाइजेशन टूल से आपके प्रोफाइल पे कौन सा एलिजिबल है वो दिखने के लिए मिले। तो मैं अभी आ गया हूँ प्रोफाइल के मोनेटाइजेशन टूल को देखने के लिए। थोड़ा सा ड्रैग करके आपको नीचे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा नीचे चला जाऊंगा और यहाँ पे आपको पेज एंड प्रोफाइल सारे दिखने के लिए मिले। तो ये जो सबसे ऊपर आ रहा है आप देख सकते हो, ये जो है ये दीप्तनुशील मेरा प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल का लोगो है, वही प्रोफाइल मैं यहाँ पे भी ओपन करके रखा हूँ, ये पेज नहीं है। और दीप्तनुशील के नाम से मेरा एक पेज भी है जो कि नीचे वाला है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो लोगो चेंज हो गया है, ये मेरा पेज है। अब मैं पेज को तो चेक नहीं करने वाला हूँ, प्रोफाइल को चेक करने वाला हूँ और क्या अपडेट है इसको आपको बारीकी से समझना। जैसे ही मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो दो इलिजिबल मोनेटाइजेशन के लिए शो कर रहा है और दोनों में ही व्यू टूल आ रहा है, यानी कि मेरा ये जो फेसबुक आईडी है यानी कि प्रोफाइल है वो मैंने स्टार और ब्रांडेड कंटेंट से ऑलरेडी मोनेटाइज कर भी चुका हूँ। तो आप भी इस तरीके से आके आपका प्रोफाइल किस मोनेटाइजेशन टूल से ऑलरेडी मोनेटाइज है वो चेक कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आज के इस वीडियो में वो है इंस्ट्रीमेट का क्या, लाइव का क्या, सब्सक्रिप्शन का क्या। तो उसके लिए आपको आधार मोनेटाइजेशन टूल पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही दोस्तों क्लिक किया बहुत ही अपसेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, इनस्ट्रीम एड गायब है। आप देख सकते हो इनस्ट्रीम एड का कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं आ रहा है, हालांकि यहाँ पे जो आना था वो था, अगर क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है तो जैसे सब्सक्रिप्शन का आ रहा है क्राइटेरिया नॉट मेट वैसे आना था, मगर यहाँ से इनस्ट्रीम एड का ऑप्शन ही गायब हो चुका है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप में से बहुत सारे क्रिएटर के साथ ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग सवाल उठाना शुरू किए हो इसीलिए मैं जवाब लेके आया। तो अभी मैं ये बताना चाहूंगा प्रोफाइल पे बहुत सारे क्रिएटर का डेस्कटॉप और लैपटॉप वर्जन पे देखने पे इनस्ट्रीम एड शो नहीं कर रहा है, और बहुत सारे क्रिएटर का मोबाइल से भी प्रोफाइल के जो मोनेटाइजेशन देखने के लिए होता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके वहां पे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने पे बाकी सारे टूल्स तो आ रहे हैं, इंक्लूडिंग बोनस वाला ऑप्शन भी नॉट इलिजिबल भी है तो भी नीचे शो करता है नॉट इलिजिबल कैटेगरी में, मगर इनस्ट्रीम एड वहां से गायब है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा झटका है बहुत सारे फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइजेशन जो क्रिएटर करके बैठे हैं या करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। क्या फेसबुक प्रोफाइल पे इनस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन को अभी बंद कर दिया है? तो यहाँ पे दोस्तों दो आंसर हो सकता है, एक यस एक नो। अब यस और नो में एक दुविधा पैदा हुआ है, क्यों? इसलिए क्योंकि मैक्सिमम केसेस पे अभी देखा जा रहा है
कि प्रोफाइल पे इनस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन का सेटअप गायब है, वो मोबाइल से ही दिखे या डेस्कटॉप लैपटॉप से ही देखे। मगर मेरे केस पे मैंने चेक किया तो मुझे ये नजर आया कि मेरे अभी जैसे ही मोबाइल डिवाइस से चेक करता हूँ तो वहां पे शो कर रहा है इनस्ट्रीम एड। वो भी मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो मैं अभी मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना। तो गाइज मैंने मेरे प्रोफाइल को ऑन कर लिया है, अब मोबाइल के लोगो पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो सारे ऑप्शन टूल्स के नीचे शो होता है। वहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन का है, उस पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया दोस्तों, आप देख सकते हो ऊपर स्टार्ट से मोनेटाइज है, बाकी बोनस है और इनस्ट्रीम ऐड भी शो कर रहा है। और जैसे ही मैं इनस्ट्रीम ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्योंकि मेरा क्राइटेरिया प्रोफाइल पे कंप्लीट नहीं हुआ है, 5K फॉलोअर प्रोफाइल पे नहीं है अभी, तो इसलिए 5K अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो शो कर रहा है, और 60,000 मिनट व्यू वो भी मोबाइल पे शो कर रहा है, और 5 एक्टिव वीडियो रहना चाहिए वो भी शो कर रहा है। अभी ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो शायद मैं मोबाइल से मोनेटाइज कर पाऊंगा मेरे प्रोफाइल को। मगर यहाँ पे जो पहले शो कर रहा था प्रोफाइल पे आने के बाद लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कि यहाँ पे इनस्ट्रीम ऐड का ऑप्शन शो करता था, वो शो नहीं कर रहा है। अब मैं आपको और एक प्रोफाइल का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे तो मेरे प्रोफाइल पे शो कर रहा है अभी भी इनस्ट्रीम ऐड आप देख पा रहे हो, मगर ऐसे भी प्रोफाइल है जहां पे इनस्ट्रीम ऐड शो नहीं कर रहा है प्रोफाइल पे देखने के बावजूद भी मोबाइल से, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी और एक आईडी पे आ चुका हूँ और इस आईडी पे मैं लोगो पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूंगा। अभी आप लोग देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी इनस्ट्रीम ऐड का ऑप्शन ही नहीं है, ये प्रोफाइल है और प्रोफाइल के मोनेटाइजेशन टूल को मैं देख रहा हूँ मोबाइल डिवाइस से, डेस्कटॉप लैपटॉप से तो शो ही नहीं कर रहा है, इवन मोबाइल पे भी अभी शो नहीं कर रहा है। तो यही मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे दो डाउट क्रिएट हुआ है, क्या अब प्रोफाइल पे मोनेटाइजेशन फेसबुक ने इनस्ट्रीम ऐड का बंद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है अगर बंद कर दिया है, या फिर आप कह सकते हो बैकएंड में कुछ प्रोसेस चल रहा है जिसके वजह से आप इनस्ट्रीम ऐड गायब है। वो इलिजिबल होना ना होना वो अलग बात है, इलिजिबल होगा तो ऊपर में आएगा, इलिजिबल नहीं है तो नीचे आएगा नॉट अवेलेबल पे। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रोफाइल पे आ ही नहीं रहा है, और ये सिर्फ एक दो क्रिएटर के नहीं, बहुत सारे क्रिएटर का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इस अपडेट को आप तक पहुंचाना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये अपडेट अभी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग क्या सोच रहे हो इस अपडेट को लेके, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी मैं आप लोगों को ये अपडेट के तहत ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सच में अभी प्रोफाइल पे इनस्ट्रीम ऐड मोनेटाइजेशन को लेके एक दिक्कत चल रहा है। अब ये फेसबुक जब भी कोई अपडेट को रोल्ड आउट करता है कुछ बताता नहीं, जैसे कि 5K फॉलोअर और जो 60,000 वॉच टाइम क्राइटेरिया लेके आया है इनस्ट्रीम ऐड का, वो भी फेसबुक ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, और ये भी डिक्लेरेशन पे अभी नहीं आया। ये हम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के जो वेबसाइट है www.facebook.com उसके खोल के देखने के बाद ही पता चल रहा है, अभी तक कोई क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं है। मगर मुझे ये लग रहा है, हो सकता है कि प्रोफाइल पे इनस्ट्रीम ऐड जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि प्रोफाइल पे 5K फॉलोअर बनाना इजी है, क्योंकि प्रोफाइल को ही प्रोफेशनल मोड पे हम चेंज करते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के थ्रू, और उसके बाद उस प्रोफेशनल मोड को ऑन करने के मतलब प्रोफाइल के जो फ्रेंड्स होते हैं वो चेंज हो जाता है हमारे फॉलोअर पे, और 5K फॉलोअर का जो लैंडमार्क फेसबुक ने अभी मोनेटाइजेशन इनस्ट्रीम ऐड के लिए रखा है वो काफी इजी हो जाता है। हो सकता है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर फेसबुक ने कुछ चेंजेस किया हो कि प्रोफाइल पे बाकी मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइजेशन रखेगा मगर इनस्ट्रीम ऐड से प्रोफाइल पे मोनेटाइजेशन बंद कर सकता है। पेज पे अभी है, और बहुत अच्छा गुड न्यूज आप लोगों के लिए है कि पेज पे अभी आप लोगों को बहुत कम कर दिया है क्राइटेरिया। अगर अभी तक आप लोगों को जानकारी नहीं है, मैंने ऑलरेडी पेज मोनेटाइज करके प्रैक्टिकल एग्जांपल लास्ट वीडियो पे डाला है, वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ये वीडियो एंड होने के बाद जरूर जाके उस वीडियो को देख लेना। और आपको अभी फिलहाल प्रोफाइल मोनेटाइजेशन पे ये समस्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं प्रोग्राम कर दोस्तों, बाय।